क्या BCAA लेना जरूरी है? क्या ये सच में आपको बेनिफिट देता है? क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार मुझसे इंस्टाग्राम पे लगातार पूछा जा रहा था कि हमें कौन सा BCAA लें और BCAA के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। मैं गौतम, आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ बॉडी मूव इंडिया यानी फिटनेस वाला शो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पेज का स्क्रीनशॉट आपको डिस्प्ले पे दिख जाएगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट आके कोई भी क्वारी है, कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस पर जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की, क्योंकि बहुत मैसेज आते हैं, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं BCAA के बारे में। देखिए, आजकल ना BCAA बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। जो इन्फ्लुएंसर हैं या सप्लीमेंट वाले हैं या कंपनी हैं, BCAA के बारे में बताती हैं, और जिम के अंदर हर दूसरा या तीसरा बंदा ड्यूरिंग वर्कआउट के तौर पे BCAA यूज़ कर रहा होता है। बट पहले मैं आपको बता दूँ कि BCAA होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में हम आज सारी की सारी बात करने वाले हैं। BCAA की फुल फॉर्म होती है ब्रांच चेन अमीनो एसिड। जी हाँ, ये आप जो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसकी एक ब्रेक फॉर्म ही है। इन जो BCAA के अंदर जो तीन अमीनो एसिड होते हैं, वो होते हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन और वैलिन। इन तीनों को मिलकर बनता है BCAA। बट अब इसका बेनिफिट क्या है? क्योंकि जब आप BCAA लेते हैं, क्योंकि जब ये प्रोटीन की ब्रेक फॉर्म है और ये डाइजेस्ट जो आपका डाइजेशन सिस्टम है उसको बाईपास करते हुए सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जाने का फायदा ये होता है कि उतनी जल्दी एब्जॉर्ब भी होता है, और जब ये जल्दी एब्जॉर्ब होता है तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपके मसल को एक एनर्जी मिलती है और आपका मसल जो है वो एनाबॉलिक स्टेज में मेंटेन रहता है, जहाँ पे BCAA आपके मसल को ब्रेक डाउन होने से बचाता है, यानी कैटाबॉलिक स्टेज में जाने से रोकता है, जहाँ पे मसल टूटता है। तो ये बात तो होगी कि BCAA काम क्या करता है और उसमें कौन कौन से अमीनो होते हैं। बट अगर हम बात ये करने वाले हैं कि BCAA की सच में आपको ज़रूरत है। देखिए, वैसे जो आप मार्केट में जो आप BCAA लेते हैं, कुछ प्लेन BCAA भी आज के डेट में मार्केट में मिल रहे हैं। प्लेन BCAA का भी अपना एक फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि वो चीपर हैं, नुकसान ये है कि वो उसके अंदर सिर्फ सिंपल BCAA है और चीज़ें नहीं हैं जो बाकी कंपनियां दे रही हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो और कंपनीज हैं उसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट डालती हैं, ताकि वो और इफ़ेक्टिव हो सके और आप और उनको आप बेनिफिट ले सकें। देखिए, BCAA जब आप लेते हैं, आपकी जो डाइट के अंदर जो प्रोटीन होता है, बेसिकली उसके अंदर आपको BCAA मिल जाता है। जब आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन इंटेक पूरा होता है तो आपकी बॉडी के अंदर ये तीनों अमीनो एसिड ऑलरेडी स्टोर होते हैं, जो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट चाहिए होते हैं। लेकिन अब लोग इसको एज ए सप्लीमेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं? देखिए, अब जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी के अंदर यूज़ होता है ग्लाइकोजन, जो आपके मसल को एनर्जी देता है। लेकिन जब आपका वर्कआउट करते करते वो ग्लाइकोजन डिप्लीट होता है, तो उस टाइम पे जो मसल को एनर्जी चाहिए, जो फ्यूल चाहिए, उस टाइम पे आपका BCAA काम करता है और आपके मसल को ब्रेक डाउन होने से बचाता है। क्योंकि ये तीनों के तीनों जब आप कंज्यूम करते हैं अपना ये BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट, तो ये मेटाबोलाइज होते हैं और आपके मसल को एज ए फ्यूल, एज ए एनर्जी देते हैं और आपके मसल को ब्रेक डाउन नहीं होने देते हैं। ज़्यादातर बहुत से आजकल जो सप्लीमेंट्स जो प्लेन BCAA आ रहे हैं, उनकी सर्विंग होती है 3 ग्राम या 5 ग्राम, और कुछ सप्लीमेंट ऐसे हैं, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं उस टाइम पे आपको कम से कम 7 ग्राम BCAA की ज़रूरत होती है। जो स्टडी कहती हैं कि उसके हिसाब से आपको 7 ग्राम BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट चाहिए होता है। अब प्लेन BCAA जो आप ले रहे हैं उसके अंदर सिर्फ आपको 4 से 5 ग्राम मिल रहा है। हो सकता है कि वो चीप हों, लेकिन अगर आप एक एवरेज लगाएंगे तो ये आपको एक्सपेंसिव भी पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेन BCAA है, तो जाहिर सी बात है आपको 2 स्कूप यूज़ करने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो उस हिसाब से ये ऑलमोस्ट उसी रेंज में पड़ जाते हैं जिस रेंज में बाकी कंपनियां इससे बेटर ऑप्शन आपको दे रही हैं। लेकिन प्लेन BCAA जो आ रहे हैं उसके अंदर आपको 5 ग्राम की सर्विंग मिल जाती है। कंपनी कहती है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, मान लेते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव है, बट बाकी एलिमेंट्स का क्या, जो आपके वर्कआउट को और अच्छा बेहतर बनाते हैं? क्योंकि BCAA के अंदर, प्लेन BCAA के अंदर ये तो होता ही नहीं है। मैं कोई बहुत बड़ा ब्रांड फैन नहीं हूँ, मैंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के BCAA यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने अब वो क्यों बंद कर दिए पिछले ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से, क्योंकि 90% या 70% मान लेते हैं, 70% बड़े बड़े ब्रांड्स के सप्लीमेंट फेक आते हैं। इवन जो एक बहुत पॉपुलर BCAA है एक्सटेंड का, हर कोई बंदा उसे यूज़ करता है, वो 70% इंडिया में नकली मिलता है। और जब अगर आप इतना पैसा खर्च करने के बाद एक नकली सप्लीमेंट यूज़ करें तो आपको उसका बेनिफिट हो ना हो नुकसान ज़रूर होता है, और वो पता भी नहीं चलता कि आप उसे नकली यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सामने वाले ने वो आपको असली बोल के दिया हुआ है। देखिए,
आपको और भी एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि लोग मुझसे लगातार पूछते हैं आपको BCAA आप कौन सा यूज़ करते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको ड्यूरिंग वर्कआउट जो BCAA चाहिए होता है वो इसलिए चाहिए होता है ताकि आपका मसल एनाबॉलिक स्टेज में रहे, ना कि कैटाबॉलिक स्टेज में। जितना मसल आपका एनाबॉलिक स्टेज में रहेगा उतना ज़्यादा आपका मसल ब्रेकडाउन होने से बचेगा और आपका मसल गेन होगा। BCAA ऑलरेडी आपकी डाइट में मिल जाता है, जो आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, अच्छी क्वांटिटी का जो प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, चाहे वो चिकन हो, एग हो, चाहे आपका फिश हो, प्रोटीन इंटेक जो आपका अच्छा हो जाता है तो आपको ऑलमोस्ट BCAA मिल जाता है और आपकी बॉडी के अंदर वो स्टोर होता है। बट जब आप वर्कआउट अच्छा वर्कआउट करते हैं तो ये डिप्लीट होने लगता है और उस टाइम पे हम उसे मेंटेन करने के लिए BCAA यूज़ करते हैं। तो मैं जो पर्सनली अपना BCAA यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ, मैं कोई प्लेन BCAA यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसके अगेंस्ट भी नहीं हूँ और मैं उसके फेवर में भी नहीं हूँ। उसका भी अपना एक बेनिफिट है कि किसी के पास अगर पैसे उतने नहीं बन पा रहे हैं तो वो लेके भी अपने मसल्स को बचा सकते हैं, वेस्ट होने से, कैटाबॉलिक से बचा करके एनाबॉलिक में रख सकते हैं। BCAA का भी अपना एक फ़ायदा है, बट मैं प्लेन BCAA रेकमेंड नहीं करता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये लगता है हमें कॉस्ट इफेक्टिव है लेकिन एक्चुअल में और भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, ताकि हम अपने वर्कआउट को अच्छा कर सकें और हमारा वर्कआउट इफेक्टिव हो सके। मैं जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ नेचुरीज का। अब मैं ये यूज़ क्यों करता हूँ, पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इस कंपनी ने हम ना ही मुझे प्रोडक्ट भेजा है, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। अभी क्यों परचेज़ किया है और मैंने यही क्यों लिया, और भी कंपनी के BCAA मिल रहे थे, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा और जब मैंने समझा और जब मैंने इसको यूज़ किया तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन लगातार इंस्टाग्राम पे आता रहता है कि हम कौन सा ब्रांड का यूज़ करें, हमें BCAA यूज़ करना चाहिए नहीं चाहिए। तो इसमें ना इस चीज़ के बारे में जब मैं इसके बारे में बताऊँगा तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने वीडियो में बोला कि आपको बाकी एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट, ताकि आपका वर्कआउट और इफेक्टिव हो सके। इसके अंदर आपको एक सर्विंग मिलती है 15 ग्राम की। 15 ग्राम की सर्विंग में आपको 7 ग्राम प्योर BCAA मिलता है। जी हाँ, प्योर BCAA। अब 15 ग्राम की सर्विंग में 7 ग्राम आपको प्योर BCAA मिल रहा है, साथ में आपको मिलता है 2.5 ग्राम का ग्लूटामाइन, तो मुझे अलग से सप्लीमेंट परचेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको मिल जाता है सिट्रुलिन मैलेट और बीटा एलिलिन। देखिए, सिट्रुलिन और मैलेट आपको बेसिकली प्री वर्कआउट मिलते हैं, इनका काम होता है आपके ब्लड फ्लो को मेंटेन करना और आपकी बॉडी के अंदर पंप क्रिएट करना, जो कि मुझे वो इसके अंदर मिल जाता है, तो मेरा प्री वर्कआउट वाला प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो गया। दूसरा जो मैं आपको इसका बेनिफिट बताने वाला हूँ वो ये है कि ये इसके अंदर ना आपको सॉल्ट और पोटेशियम का एक ब्लेंड मिलता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है कि ड्यूरिंग वर्कआउट आपके मसल्स को हाइड्रेट रखना और आपको डिहाइड्रेशन से बचाना, आपके मसल्स को डिहाइड्रेशन से बचाना। जो ये नेचुरीज का जो BCAA है इसके अंदर ये है, मैंने बहुत सप्लीमेंट यूज़ किए हैं, बहुत कम कंपनियां इस चीज़ को प्रमोट करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है कि BCAA ही बेचना है। नेचुरीज जब मैंने ये पढ़ा और जब मैंने यूज़ किया तो मुझे सच में वो फील हुआ कि हाँ, मेरे को डिहाइड्रेशन नहीं फील होती, क्योंकि इसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट प्रॉपर है। तो एक BCAA जिसके अंदर आपको सिट्रुलिन मैलेट जो प्री वर्कआउट के अंदर आता है, बीटा एलिनिन जो प्री वर्कआउट के अंदर आता है वो मिल जाता है, आपको 2.5 ग्राम ग्लूटामाइन भी मिल जाता है और इलेक्ट्रोलाइट भी मिल जाता है, ताकि आपका मसल डिहाइड्रेट ना हो। तो आपको ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, अगर इन सब लोगों को इन अलग अलग इनको लेंगे, अलग अलग सप्लीमेंट के तौर पर लेंगे, तो आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की जाके कॉस्ट बैठती है। लेकिन ये मैंने जो लिया है तो मुझे ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर आप ये इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप लेना चाहें BCAA, इससे एक बार स्टार्ट करके देख सकते हैं। मैं क्योंकि मैं इसे पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। जो फ्लेवर है इसका वो ब्लूबेरी मोजिटो है, जो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, BCAA सच में आपको कैटाबॉलिक स्टेज से बचाता है, एनाबॉलिक स्टेज में रखता है, आपके मसल को ब्रेकडाउन होने से बचाता है। अगर आप ले रहे हैं तो ये टोटल वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, ये वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, सप्लीमेंट काम करता है, ठीक है। लेकिन आपकी डाइट का भी होना बहुत ज़रूरी है, आप डाइट को भी मेंटेन करें। ये सारा का सारा वीडियो जो था वो BCAA के ऊपर था, जो लगातार मुझसे लोग पूछ रहे थे कि हम कौन सा ब्रांड यूज़ करें। तो आप नेचुरीज का यूज़ कर सकते हैं, और अभी भी आपके पास कोई क्वारी है और कोई क्वेश्चंस हैं इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे आकर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, चाहे लेट हो लेकिन करता हूँ। पूरा मैसेज अपनी क्वारी पूरी की पूरी डालें।
और आप कौन सा BCAA यूज़ करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और किस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसके बारे में बताएं ताकि मैं उसको जल्दी जल्दी कवर कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो तक रखें अपना ध्यान, अपनों का भी ध्यान। टेक केयर, बाय।